हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से लेकर आ गया हूँ एक कमाल का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पास है मेडटेक कंपनी की तरफ से बीपी मॉनिटर, जिसको हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं, और मैं बताने वाला हूँ कि ये ब्लड प्रेशर मॉनिटर कैसा है, आप लोग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसका मैं कंप्लीट अनबॉक्सिंग करूँगा, रिव्यू करूँगा और डेमो दिखाऊँगा, आप लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे सेट कर सकते हैं, सारी चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं देख रिव्यू टू चैनल। तो चलो 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 चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग मेडटेक कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट पे आएंगे और देखेंगे प्रोडक्ट कैसा है। मेडटेक कंपनी पापा और बेटे के जोड़ी ने बनाया है, रजनी शाह और योगेश शाह ने मिलकर बनाया है, 1998 में बनाया है, तो लगभग 20 साल से भी ज़्यादा पुराना कंपनी है। मेडटेक कंपनी सबसे पहले नीडल बर्नर बनाया था, लेकिन अभी 40 से ज़्यादा प्रोडक्ट मिल जाएगा, 300 से ज़्यादा एम्प्लॉई काम करता है। मेडटेक कंपनी स्टार्ट हुआ था मुंबई में, लेकिन अभी 70 से ज़्यादा देशों में मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई करता है। मेडटेक कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वापी गुजरात में है, यानी कि इसका जो प्रोडक्ट सब है वो सारा ही मेड इन इंडिया है, चाइना से इंपोर्ट करके अपना ब्रांड चिपका के नहीं बेचता है, सारा मैन्युफैक्चर करता है इंडिया के अंदर। तो थोड़ा बहुत हम लोग कंपनी के बारे में जान लिए, चलिए अब हम लोग आप प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। तो हम लोग पास आ गया है ये मेडटेक कंपनी की तरफ से बीपी मॉनिटर नोवा चेक BP12L, ये मॉडल नंबर है BP12L, यहाँ पे आप लोग इसे लिखा गया है, और 20 ईयर ऑफ ट्रस्ट है, 20 साल से भी ज़्यादा पुराना कंपनी है, और यहाँ पे आप लोग इसे 2 साल का वारंटी मिल जा रहा है, और यहाँ पे आप लोगों को कुछ फीचर्स वगैरह के बारे में लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सामने से कुछ इस टाइप का आप लोग को लुक मिल जा रहा है। इस तरफ पे आप लोग देख सकते हैं एक QR कोड दे दिया गया है, जिसको आप लोग स्कैन करते हैं तो आप लोग को पिकअप एंड रिटर्न होगा, यानी कि आप लोग को 2 साल के अंदर ख़राब हो जाता है तो आप लोग रिपेयर नहीं करेगा, आप लोग को यह प्रोडक्ट लेके जाएगा और आप लोग को नया प्रोडक्ट दे देगा, यानी कि वारंटी पीरियड के अंदर कुछ भी खराबी आता है तो आप लोग रिप्लेस होके नया प्रोडक्ट मिल जाएगा, और वारंटी पीरियड भी काफ़ी बड़ा है, आप लोगों को 2 साल का वारंटी मिल जा रहा है। जनरली आप लोग इस सब प्रोडक्ट में 1 साल का वारंटी मिलता है, लेकिन इसमें आप लोगों को 2 साल का वारंटी मिल जा रहा है। और दूसरे साइड में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन लिखा गया है, जिसको आप लोग चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग इसको कट करते हैं और प्रोडक्ट को बाहर निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग के पास यूज़र मैनुअल और वारंटी कार्ड आ गया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं कुछ इस का दिया गया है। इसके अंदर आप लोग सारे डिटेल्स लिखा गया है, कैसे आप लोग यूज़ करना है, कैसे आप लोग एरर आएगा तो सबको फिक्स करना है, चीज के बारे में लिखा गया है, जिसको चाहें तो आप लोग पढ़ भी सकते हैं। हालांकि इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा तो आप लोग यूजर मैनुअल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं सारा कुछ बता दूंगा। नेक्स्ट आप लोग पास कैटलॉग आ गया है, जिसमें आप लोग देखते हैं मेडटेक कंपनी कितना सारा मेडिकल इक्विपमेंट बनाता है, जो कि यहाँ पे आप लोग दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देखते हैं बीपी मॉनिटर है, थर्मोमीटर है, ऑक्सीमीटर है, और काफ़ी सारा मेडिकल इक्विपमेंट है जो कि मेडटेक कंपनी मैन्युफैक्चर करता है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और देख सकते हैं आप लोग को एक बैग भी मिल जा रहा है, इसके अंदर बीपी मॉनिटर रखा हुआ है, तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आप लोग बैग मिल गया है, जिसमें आप लोग बीपी मॉनिटर रख सकते हैं। सामने में आप लोग देखते हैं मेडटेक का आप लोग को ब्रांडिंग दे दिया गया है, इस टाइप का आप लोग कैरी करने के लिए एक हैंडल भी दिया गया है, और यहाँ पर आप लोग चेन दिया गया है, इसको हम लोग खोलते हैं और सारा प्रोडक्ट सबको बाहर निकालते हैं। अंदर से भी देख सकते हैं आप लोग बैग का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, तो आप लोग को अच्छे क्वालिटी का एक बैग दे दिया गया है, जिसमें आप लोग बीपी मॉनिटर रख सकते हैं, और इसमें आप लोग को टाइप सी केबल मिल जा रहा है। यदि आप लोग बैटरी से नहीं चलाना चाहते हैं तो आप लोग पावर बैंक में कनेक्ट करके या फिर आप लोग एडाप्टर में कनेक्ट करके टाइप सी को यूज़ करके आप लोग इसको चला सकते हैं। जनरली अदर बीपी मॉनिटर में देखेगा कि आप लोग माइक्रो यूएसबी केबल दिया जाता है, लेकिन इसमें आप लोग टाइप सी केबल दिया गया है, जो कि एक एडवांस केबल है। अब हम लोग अपने बीपी मॉनिटर के ऊपर आ गए हैं, यहाँ पर आप लोग ऊपर में देख सकते हैं मेडटेक का ब्रांडिंग दिया गया है। इस तरफ पे आप लोगों को सारा यूनिट वगैरह दिया गया है, SYS यूनिट, DIA यूनिट और पल्स पर मिनट, यहाँ पे सारा आप लोगों को यूनिट दिया गया है। और यहाँ पे आप लोगों को रेड, येलो और ग्रीन बार भी दिया गया है, जो कि आप लोग इंडिकेट करेगा कितना आप लोगों को बीपी वगैरह है। और नीचे की तरफ आप लोग देखते हैं 3 बटन दिया गया है, एक है सेट और ये दूसरा है स्टार्ट एंड स्टॉप, और तीसरा है मेमोरी बटन, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुछ इस टाइप से आप लोगों को सामने का लुक मिल जा रहा है बीपी मॉनिटर का, और इस तरफ पे आप लोग देखते हैं टाइप सी पॉइंट मिल जाए, जहाँ पे आप लोग केबल कनेक्ट करके आप लोग इसको चला सकते हैं। यदि आप लोग बैटरी से नहीं चलाना चाहते हैं तो आप लोग टाइप सी केबल यहाँ पे कनेक्ट करके चला सकते हैं। दूसरे साइड में आप लोगों को कफ लगाने का पॉइंट मिल गया, यहाँ पे आप लोग कफ का जो पॉइंट है उसको यहाँ पर कनेक्ट कर देना है, और फिर हाथ में पहनना है, जो कि मैं आप लोगों को डेमो दिखाऊंगा। अभी पीछे से मैं खोलता हूँ यहाँ से,
यहाँ पे आप लोग देखते हैं चार बैटरी लगाने की जगह मिल जा रहा है। इसमें आप लोगों को डबल ए बैटरी लगेगा, चार बैटरी लगेगा, जो कि इसके अंदर फ्री भी दिया गया है। आप लोगों को मार्केट से परचेस करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर ही दिया गया है। इसको हम लोग जल्दी से कट करते हैं और सारा बैटरी को यहाँ पे लगा देते हैं। बाई चांस बैटरी कभी खत्म हो जाता है और आप लोगों को बीपी मॉनिटर यूज़ करना है तो आप लोग केबल को भी यूज करके आप लोग बीपी मॉनिटर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही बैटरी लगाइएगा तो यहाँ पे आप लोग इसमें सारा कुछ सेट करने के लिए आ जाएगा। डेट टाइम वगैरह सेट कर सकते हैं और 2% का आप लोग यहाँ पे मेमोरी रख सकते हैं, तो 1% 2% भी आप लोग सेट कर लीजिएगा। सारा कुछ यहाँ पे आप लोग सेट कर सकते हैं। इस बीपी मॉनिटर का मेमोरी के अंदर 90 रिकॉर्ड सेव रहता है पर पर्सन, यानी कि 2% का 90 रिकॉर्ड सेव रहेगा। यहाँ पे आप लोगों को कफ लगाना है और आप लोगों को हाथ में पहन लेना है इसे करके। उसके बाद मैं यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ और थोड़ा टाइम लगेगा और आप लोगों को बीपी मॉनिटर करके यहाँ पे रीडिंग आ जाएगा, जो कि आप लोग देखते हैं यहाँ पे रीडिंग आ गया है। मेरा नॉर्मल है तो इसीलिए ग्रीन की तरफ इंडिकेट कर रहा है और यहाँ पे आप लोग देखते हैं SYS, DAI और पल्स पर मिनट का रीडिंग आ गया है। ग्रीन यानी कि परफेक्टली नॉर्मल है और येलो माने थोड़ा वार्निंग टाइप का दे रहा है और रेड माने आप लोगों को डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। जो आप लोगों को रीडिंग आएगा वो आप लोगों का मेमोरी में भी सेव हो जाएगा, 90 रिकॉर्ड तक आप लोगों को सेव रहेगा। आप लोगों को इसका कुछ भी सेटिंग चेंज करना है या आप लोग डेट एंड टाइम सेट करना है तो आप लोग सेट वाला जो बटन है उसको 3 सेकंड तक आप लोग होल्ड करके रखना है। जैसे ही होल्ड कीजिएगा तो आप लोग सेटिंग मोड पे चले जाइएगा और यहाँ पे यदि आप लोग यूनिट चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज कर सकते हैं, डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हैं, सारा सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। सेटिंग के अंदर आप लोग मेमोरी वाला जो बटन है वो ओके का काम करता है और सेट वाला जो बटन है वो चेंज करता है। तो जो भी चेंज करना है वो सेट वाला बटन से आप लोग चेंज कर सकते हैं और ओके करना है यानी कि सेव करना है तो आप लोग मेमोरी वाला बटन से आप लोग ओके और सेव कर सकते हैं। ओवरऑल ये बीपी मॉनिटर कैसा है? तो ओवरऑल ये बीपी मॉनिटर काफ़ी कमाल का है। आप लोग इसको बैटरी से भी यूज़ कर सकते हैं, टाइप सी केबल से भी यूज़ कर सकते हैं। इसका जो रीडिंग है काफ़ी एक्यूरेट आता है और काफ़ी रिलायबल आता है और कुछ सेकंड के अंदर ही आप लोग सारा रीडिंग ले सकते हैं, सारा मेमोरी में सेव रहता है, 90 रिकॉर्ड पर पर्सन सेव रहता है तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा मेमोरी मिल जा रहा है। और इसका अंदर जो आप लोग हाथ आदि मूव करता है तो वो भी इंडिकेट करेगा कि हाथ मूव कर रहा है, आप लोग स्टेडी रखिए। ओवरऑल ये बीपी मॉनिटर काफ़ी अच्छा है, आप लोगों को ईजी टू यूज़ है और काफ़ी एक्यूरेट दिखाता है। यदि आप लोग परचेस करना चाहते हैं तो बेस्ट बाय लिंक हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाके परचेस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।